दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में आई हुई वैकेंसी के बारे में, जहां पे दोस्तों ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, एप्लीकेशन फी, ये सारी चीज़ जो है मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एडवर्टीज़मेंट नंबर की बात करेंगे। तो इसका दोस्तों जो एडवर्टीज़मेंट नंबर है VSSC 315, इसका जो है एडवर्टीज़मेंट नंबर है, और इसी के बेसिस पे जो है आपको फॉर्म को फिलअप करना है। क्योंकि जब आप फॉर्म को फिलअप करोगे तो ये एडवर्टीज़मेंट नंबर जो है पूछेगा, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, जिसका जॉब लोकेशन तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल में होने वाला है, यहाँ पर जो है वैकेंसी निकल रखी है। तो यहाँ पे तीन तरह की वैकेंसी निकल रखी है। पहली पोस्ट जो है फार्मिस्ट के लिए है, लैब टेक्नीशियन और फायरमैन के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई है, जिसमें हम बारी बारी करके सबके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मिस्ट पोस्ट के लिए बात करते हैं, जो फार्मा वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए। तो टोटल वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे जो फार्मा वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 वैकेंसी आई हुई है, और यहाँ पे जनरल्स के लिए 3 वैकेंसी आई है। यहाँ पे अदर कास्ट के भी जो अदर कैटेगरी कैंडिडेट हैं वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बशर्ते ये दोस्तों वो यहाँ पे जनरल्स काउंट होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो क्वालिफिकेशन रखा गया है फार्मिस्ट पोस्ट के लिए, इसमें जो है 10th पास रखा गया है और डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये जो है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गया। देन दोस्तों लैब टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो लैब टेक्नीशियन का यहाँ पे 2 पोस्ट निकल रखी है। यहाँ पे दोस्तों 10वीं पास के कैंडिडेट और फर्स्ट क्लास डिप्लोमा यानी कि 60% इन द डिप्लोमा इन द मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में आपका यहाँ पे होना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सैलरी आपको दिया जा रहा है लेवल 5 और लेवल 4 की जो है सैलरी दिया जा रहा है। तो लेवल 5 की जो सैलरी है दोस्तों 29,200 से लेकर 92,300 तक जो है आपका यहाँ पे सैलरी है स्कीम है। देन लेवल 4 का 25,500 से लेकर 81,000 तक जो है यहाँ पे सैलरी का पैकेज आपका बनेगा। देन दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं फायरमैन के लिए। तो जो फायरमैन की पोस्ट है दोस्तों, उसमें जो है फिजिकल स्टैंडर्ड आपको पास करना पड़ेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब हाइट वेट वगैरह। तो यहाँ पे दोस्तों इसका क्वालिफिकेशन जो रखा गया है, इसमें 10वीं पास के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सिर्फ अगर आप 10वीं पास हैं तो आप जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपका जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार जो है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। वो क्वालिफाई होते हो तब जाके आपको रिटन टेस्ट के लिए फर्दर यहाँ पे मतलब ऑप्शन दिया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो फायरमैन के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो वैकेंसी है, टोटल 8 वैकेंसी है, जिसमें 5 जनरल्स के लिए, 2 जो है ओबीसी के लिए, 1 पोस्ट जो है एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे फायरमैन पोस्ट के लिए आई हुई है। देन दोस्तों यहाँ पे जो सैलरी रखा गया है फायरमैन के लिए 19,900 से लेकर 63,200 तक जो है इनका बेसिक पे रखा गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे एज लिमिट कितना रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 35 साल के कैंडिडेट जो है फॉर्म को मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 35 साल रखी गई है। तो 35 साल की एज तक के कैंडिडेट जो है फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे अगर मैं आपके अप्रॉक्स सैलरी की बात करूँ दोस्तों फायरमैन के लिए, तो यहाँ पे 23,800 जो है अप्रॉक्स मंथली सैलरी बनेगी। देन दोस्तों लैब टेक्नीशियन के लिए 30,500 और जो फार्मिस्ट पोस्ट है उनके लिए 34,900 जो है यहाँ पे इनका अप्रॉक्स सैलरी बनने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसीजर से रिगार्डिंग। तो दोस्तों फार्मा पोस्ट के लिए और लैब टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जो है आपका रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा, इसके बेसिस जो है आपको यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाएगा। फायरमैन की बात की जाए दोस्तों, जो फायरमैन वाले पोस्ट वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए जैसा कि मैंने बताया फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड जो है फॉलोअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, जो जनरल्स कैटेगरी के लिए हैं वन मिनिमम जो हाइट रिक्वायरमेंट है 165 जो है सेंटीमीटर आपका हाइट रिक्वायरमेंट है। जो दोस्तों गोरखा और हिल ट्राइब्स के कैंडिडेट हैं, जैसे जो गोरखास कैंडिडेट हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न के कैंडिडेट हैं, उनके लिए मिनिमम जो हाइट है 160 सेंटीमीटर रखा गया है। जो वुमेंस कैंडिडेट हैं, जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, उनके लिए मिनिमम हाइट जो है 155 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा गया है। बाकी दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आपका मेन जो यहाँ पे हाइट का ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपका फ्लैट फुट वगैरह नहीं होना चाहिए, और 6x6 जो है आपका आई डिवीज़न डिस्टेंस डिवीज़न होना चाहिए, और कोई भी बीमारी वगैरह आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ डिसक्वालिफिकेशन के पैटर्न भी लिखे गए हैं, जैसे कि आपको कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, देन दोस्तों और भी कोई प्रकार की बीमारी वगैरह, नॉक नी वगैरह, ब्लू लेग्स, फ्लैट लेफ्ट फुट, ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए फायरमैन पोस्ट के लिए।
तो यहाँ पे दोस्तों जो मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, पहले आपका हाइट मेजरमेंट, वेट मेजरमेंट और विजुअल स्ट्रक्चर जो होगा। इसके बाद सेकंड जो है फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट होगा, जिसमें दोस्तों जो मेल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है 1500 का मीटर का रेस होगा, 7 मिनट में जो आपको पूरा करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए दोस्तों 800 मीटर का रेस होगा, 4 मिनट में इनको पूरा करना होगा। तो यहाँ पे कुछ ये सारी क्राइटेरिया हैं जो आपको पास करना पड़ेगा फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट में। तो यहाँ पे रोप क्लाइंबिंग रखा गया है 5 मीटर अप टू द ग्राउंड लेवल। देन दोस्तों कैरिंग बाई फायरमैन लिफ्ट 64 kg आपको लेके जाना पड़ेगा 90 मीटर में 60 सेकेंड में। देन लॉन्ग जंप और रनिंग जो है यहाँ पे रखा गया। तो ये फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट होगा। इसके बाद दोस्तों जो सेकेंड स्टेज पार करेगा उसका जो है रिटन टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट होने के बाद जो है इनका फाइनल सिलेक्शन लिया जाएगा। फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, तो फॉर्म को जो है आपको quicktechd.com इसका वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप नोटिफिकेशन के साथ साथ फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पे 100 रुपये का जो है फ़ी रखा गया है, एप्लीकेशन फ़ी, जो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, आप लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्लिक हेयर टू अप्लाई लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई लिखा हुआ है, आपको जो है इसको क्लिक हेयर टू अप्लाई कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसको क्लिक करेंगे तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो है पूरा जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है आ चुका है, जहाँ पे दोस्तों आप किस पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे अपना पोस्ट सेलेक्ट करना है और ये जो इमेज कैप्स का है वो जो है यहाँ पे लिख देना है और इसको सबमिट कर देना है। तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और मेल आईडी वगैरह देके यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है जनरेट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको जो है रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको जो है अपने स्टेप सेकंड में जाएंगे, जहाँ पे आप फोटोज़ वगैरह अपने सिग्नेचर वगैरह अपलोड करेंगे। इसके बाद दोस्तों स्टेप थर्ड में जो है आपका फिल एप्लीकेशन फॉर्म है, जहाँ पे दोस्तों आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपका एड्रेस वगैरह जो है यहाँ पे पूछेगा। और थर्ड स्टेप दोस्तों यहाँ पे जो है पेमेंट का है, पेमेंट जो आप करेंगे जैसे 100 रुपये का जो लग रहा है। इसके बाद दोस्तों आपका वेरीफाई मोबाइल नंबर होगा, वेरीफाई मोबाइल नंबर होने के बाद दोस्तों आप फॉर्म को ईजिली फिलअप हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप जो है यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी बिक्रम साराभाई में आई हुई वैकेंसी के बारे में। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो दोस्तों, ज़रूर लाइक और शेयर करें। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको हमारे चैनल में और भी बहुत सारी वैकेंसीज के साथ साथ बहुत सारे अपडेट मिलते हैं। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और ये वेबसाइट है quicktechd.com, इस पर जो है आप डेली विजिट कीजिए, जहाँ पर दोस्तों आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिलती हैं। तो इसी उपलक्ष्य में दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ, ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, या फिर दोस्तों आप डायरेक्टली गूगल में सर्च कर सकते हैं quicktechd.com, ये वेबसाइट आप नोट कर लीजिए, जहाँ पे दोस्तों आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।